Okay. But in the last lecture, what we had seen in the last lecture? In the last lecture, can I say we had seen the conversion part? के हम FBI से convert कर रहे हैं किसमें? CBI. And CBI से convert कर रहे हैं. अच्छा वो note था हमें किसमें याद रखने की थी note? FBI to CBI में जब हम convert करते थे वो तो base year वाली note याद रखनी है. कि अगर base year नहीं दिया है तो we have to take the first year index to be equal to 100. ने अगर base year mention किया हो तो फर्स्ट ईयर का जो आंसर है वो आंसर दैट अमाउंट विल रिमेन द सेम. यस और नो? आज हमें थोड़े दूसरे फॉर्मूलास पर जाना है. फॉर्मूला पेज पर चले जाओ, लिखना शुरू करो. इंडेक्स नंबर बाय इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एवरेज मेथड. इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एवरेज मेथड. उसमें इंडेक्स का फॉर्मूला रहेगा सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. व्हाट्स द फॉर्मूला? सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. ओके जिसमें आई का फॉर्मूला क्या आएगा? पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड इफ इन द क्वेश्चन इट इज मिसिंग एंड डब्ल्यू इज द वेट्स जिसका फॉर्मूला है पी जीरो क्यू जीरो. नाउ वेट्स का मतलब क्या? द इंपॉर्टेंस. नाउ से फॉर एग्जाम्पल तुम अपने फूड हैबिट्स में जरा देखो, फूड हैबिट्स में वीट को ज्यादा वेट देते हो, राइस को कम इंपॉर्टेंस देते हो. देन नॉन वेजिटेरियन अगर हम हैं तो चिकन को हम ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, फिश को कम दे रहे हैं. तो उन दोनों को सब क्या वेट्स मिल रहा है उस हिसाब से हम इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे. बाय विच मेथड? वेटेड एवरेज मेथड. बाय विच मेथड? अब हमने अभी तक तुम अगर देखोगे तो इंडेक्स नंबर में सिर्फ प्राइस को ही कंसीडर किया है. क्या किया है? वी हैव कंसीडर्ड ओनली प्राइस व्हेन वी वर कंसीडरिंग द इंडेक्स. बट डू यू अग्री कि जैसे जैसे प्राइस अगर बढ़ रहा है तो अपनी क्वांटिटी का भी कंजम्पशन लेवल चेंज होता जाएगा? yes. या तो हम ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर लेंगे या तो The quantity consumption will reduce. तो अब हमारे जो formulas के set आ रहे हैं उसमें हमने price के साथ साथ quantity को भी importance दिया. अब quantity को जो अब मुझे importance देना है तो base year की जो quantity है उसे हम क्या denote करेंगे? Q zero. और जो current year की quantity है उसे हम क्या डिनोट करेंगे? क्यू वन. जैसे प्राइस में होता था वैसे क्वांटिटी में होगा. अब प्राइस और क्वांटिटी को साथ में लेके किसने इंडेक्स नंबर पहला बनाया? तो बोले लास्पेयर ने. किसने बनाया? लास्पेयर्स इंडेक्स नंबर जिसको हम डिनोट करेंगे आई एल से. कैसे डिनोट करेंगे हम उसको? IL. Now if you remember my first formula, first day I said कि हम ये formula पर से chapter के और बहुत सारे formula derive करने वाले हैं. बेटा do you remember I have said something like that? Yes. So हम पहले वही वाला formula लिखेंगे P1 upon P0 into 100. क्या है formula? P1 upon P0 into 100. अब last pair को बेस ईयर की क्वांटिटी अच्छी लगती थी. क्या अच्छा लगता था? तो उसने ये फॉर्मूला में देखो क्यू जीरो ऐसा डाल दिया और उसने अपना फॉर्मूला बना लिया. अने आगे यहां आपने लिखी देसु समेशन द टोटल पी वन क्यू जीरो पी जीरो
Q0। मतलब लास्ट पेयर ने अपना इंडेक्स नंबर जो बनाया वो किसको ध्यान में रख के बनाया, बेस ईयर का क्वांटिटी को। सेकंड जो हमें देखना है दैट इज पास्चेज इंडेक्स नंबर, क्या है पास्चे। अब पब्लिक इसको क्या रीड करती है, पासेज है। अरे तुम्हारी पासे नहीं भाई, पासेज है। तो उसका इंडेक्स नंबर हम डिनोट करेंगे किससे, आई पी से। कैसे डिनोट करेंगे, आई पी। वापस मेरा मेन फॉर्मूला क्या था, P1 अपॉन P0 इनटू 100। अब जरा कॉमन सेंस चलाओ बेटा, तुम स्कॉलर बैच हो, अगर लास्ट पेयर को बेस ईयर की क्वांटिटी अच्छी लगती है तो पास्चे को कौन अच्छी लगेगी। तो उसने यहां पर Q1 ऐसा डाल के उसने अपना फॉर्मूला बना दिया, दैट इज सिग्मा सिग्मा। एक और फॉर्मूला आएगा, पहले इतना कॉपी करो, चलो फटाफट फॉर्मूला पेज पर। वन मोर फॉर्मूला कमिंग, सुगो जो रजिया इज देर, हाँ देर। लास्ट पेयर एंड पास्चेज फिशर्स इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला हमने बनाए कैसे वो पता चला, बनाए कैसे। देखो तुम्हारा कैसा लेवल बढ़ गया है, तुम कितने स्कॉलर बन गए हो, तुम फॉर्मूला बना रहे हो, सोचो। याद करने का तो दूर है, तुम फॉर्मूला बना रहे हो, सोचो। इज्जत बढ़ गई है तुम्हारी मेरी नजरों में। अब जो तीसरा बंदा आया जिसने फॉर्मूला बनाया, लास्ट पेयर पास्चे का तुमने कॉपी कर लिया, लास्ट पेयर एंड पास्चे का तुमने कॉपी कर लिया। अब तीसरा जो आया वो बहुत खतरनाक है, वो बेटा तुम जैसा है, वो तुम जैसा है। फिशर्स इंडेक्स नंबर, द थर्ड वन इज व्हाट, फिशर्स इंडेक्स नंबर। ना वाई आई से ये तुम जैसा है। अब इस बंदे ने कुछ भी नहीं करा, इस बंदे ने कुछ भी नहीं करा, जो लास्ट पेयर का फॉर्मूला था वो उठा लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, पास्चे के साथ। एंड एज ही इज अ फिशर, उसने वो हुक डाल दिया दोनों के फॉर्मूला पे। तो जैसे ये हुक डाल दिया उसने, उसका इंडेक्स नंबर हो गया कैसा, फिशर का कंसीडर होता है एज आइडियल इंडेक्स नंबर। बंदे ने देखो ना फॉर्मूला बनाया कुछ नहीं, खाली एक हुक डाल दिया, एंड इट कंसीडर्ड टू बी द आइडियल इंडेक्स नंबर। अब ये जो हुक डाला है उसको हम कहते हैं इट्स अ ज्योमेट्रिक मीन। 11th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा होगा ना कि रूट ऑफ समथिंग इज नथिंग बट इट्स द ज्योमेट्रिक मीन। अब ये फिशर का आइडियल क्यों माना गया, क्योंकि उसने लास्ट पेयर का भी फॉर्मूला ले लिया, और मतलब लास्ट पेयर जो बेस ईयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस देता था, करंट ईयर की नहीं देता था, और पास्चे, तो उसने दोनों ईयर की क्वांटिटी को कंसिडर करके, दोनों ईयर की क्वांटिटी को कंसिडर करके ही मेड हिज फॉर्मूला। Yes or no? Yes or no? इसीलिए जो भी सारे demerits थे वो eliminate हो गए, और इसका index number consider होता है to be ideal index number. Sure? लिख लो चलो formula page पे, लिख लो अपने formula page पे कि the Fisher's index number is considered to be the ideal index number. Fisher's index number is considered to be the ideal index number.
कार्तिकी के साथ बैठ, कार्तिकी के साथ बैठ। बेटा टाइम टू टाइम आया करो। गो ऑन टू एक्सरसाइज 1.3। गो टू द एक्सरसाइज 1.3। पेज नंबर इज 20। पेज नंबर इज 20। कॉपी द फर्स्ट सम। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। बिफोर वी स्टार्ट द एक्सरसाइज, आई एम सॉरी, गो टू द पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 पर जाओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी दी है। देखो कि द फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर। मिला ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, द फिशर्स इंडेक्स नंबर इज considered to be बुराउद्दीन। चार पॉइंट पढ़ेंगे, क्यों आइडियल इंडेक्स बोलते हैं, मार्क करो, दो मार्क की थियरी। क्वांटिटी ऑफ बोथ द इयर्स, बेस ईयर एंड करंट ईयर आर टेकन इन द कंपटीशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर। ये अभी समझाया मैंने, लास्ट ईयर और पास्ट ईयर का जो फॉर्मूला लिया, बेस ईयर करंट ईयर दोनों हमने कंसीडर कर लिया है। वेरी गुड। सेकंड, द इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज बोथ द इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टेस्ट। अच्छा, ये फंडामेंटल टेस्ट कौन सा है? टाइम रिवर्सल ने। खाली अभी उसका नाम याद करो, तुमको उसका मतलब नहीं समझ में आएगा। खाली नाम याद रखो कि इट सर्व द बोथ फंडामेंटल टेस्ट। इंपॉर्टेंट कौन सा है? टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल। पची द ज्योमेट्रिक मीन इज यूज टू ये भी मैंने तुमको मार्क करवाया कि उसको क्या दिखाना है, क्या बोलना है। ज्योमेट्रिक मीन, वन मार्कर एमसीक्यू कि द फिशर्स इंडेक्स नंबर इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पास्ट जे फिशर्स का, एंड लास्ट इट इज फ्री फ्रॉम एनी बायस एज इट बैलेंसेस द डीमेरिट्स ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पास्ट जे तो वो दो मार्क की थियरी के बाद अब आ जाओ चलो एक्सरसाइज 1.3 पे। बेटा व्हाट इज द पेज नंबर 29? बेटा सम नंबर 1 चलो चालू करो, कॉपी करो सम नंबर 1। 1.3 का सम नंबर 1। 1.3 का सम नंबर 1, अपने को वहां पर आइटम दिया है, वेट दिया है, और अभी देखो मजा आएगा, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ प्राइस रिलेटिव एटलेस हु इंडेक्स नंबर। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। बहुत बढ़िया, इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स दिया है मेरे को, बराबर छे। तो सम कॉपी करो, 5 आइटम है ए बी सी डी ई या एफ एफ, वेट है 5, 10, 10, 30, 20 and 25, 290, 315, 280, 300, 315 and 320। ओके, नाउ मैंने तुम्हें अभी चार फॉर्मूला लिखा है। एक तो वेटेड एवरेज वाला लिखवाया, उसका फॉर्मूला क्या था? अरे बोलो ना यार, वेटेड वाले का क्या फॉर्मूला? सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। फिर लास्ट पेयर का लिखाया, क्या फॉर्मूला? पी वन क्यू जीरो अपॉन पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। पास छे सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन पी जीरो क्यू वन इंटू, अरे फिशर का अंडर रूट ऑफ आई एल इंटू। चार में से कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? क्या से आई डब्ल्यू वाला यूज करना पड़ेगा? कैसे पता चल रहा है आई डब्ल्यू वाला यूज करना पड़ेगा? क्या से दिस इज द हिंट कि जहां पर अपने को क्या देंगे? वेट।
तो वहां पर हमको ये हिंट मिलेगी कि हमको इंडेक्स नंबर वेटेड एवरेज मेथड से करना है। ओके तो यहां पर वेट का मेरे को टोटल दो, वेट का टोटल दो 100। तो ये है मेरा सिग्मा डब्ल्यू, 100 है मेरा सिग्मा डब्ल्यू। अरे अपने को आई डब्ल्यू करना है ना, आई डब्ल्यू बोले तो कैसे होएगा, आई डब्ल्यू 290 into 5 1450 1450, 315 into 10 280 into 10 9000 6300 30,700 ये आया मेरा सिग्मा आई डब्ल्यू, ये आया अपना सिग्मा आई डब्ल्यू। बेटा बाहर जाना है तेरे को है? अरे बोलना यार। तो बेटा पाचड़ कौन बैठू छे, के पाचड़ वड़ी वड़ी ने जोए छे, बद्दा जे जोवाला लोको छे आगड़ बैठा छे। तकलीफ लागे छे काई? But I cannot help in that तकलीफ। तू देखता रहे और क्या करूँ? बेटा इंडेक्स नंबर का आंसर क्या आएगा जरा बताओ, इंडेक्स नंबर का आंसर क्या आएगा? सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू 30700 अपॉन 100। तो आंसर कितना है? 307। द आंसर इज 307। अब हमें देखो इंग्लिश में एक और चीज करी है, क्वेश्चन में देखो एक और चीज बोलिए करने के लिए, इंटरप्रिटेशन करना है, मतलब इंग्लिश में कोई स्टोरी लिखनी पड़ेगी। व्हाट आर वी सपोज टू डू? इट्स इंटरप्रिटेशन। व्हाट आर वी सपोज टू डू? इट्स नाउ इंटरप्रिटेशन कैसे करने का जरा समझो, जरा समझो। कैन आई से ये जो हमने इंडेक्स ढूंढा, कैन आई से ये करंट ईयर का इंडेक्स आया, ऐसा बोल सकते हैं? ये जो 307 है वो कौन से ईयर का इंडेक्स है? सो करंट ईयर का इंडेक्स है 307। कैन आई से बेस ईयर का इंडेक्स कितना होगा? डू वी नो व्हाट विल बी द इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं? कभी भी अगर ऐसा दिया ना हो ना, तो वी हैव टू टेक इट एज। तो फॉर्मूला पेज पर जाओ, एक और नोट लिखो, फॉर्मूला पेज पर जाओ, एक और नोट लिखो। इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर, इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर वुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज 100। इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर वुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज 100। तो पहले अगर 100 है ने, अभी हो गया 307, मतलब क्या इंटरप्रिटेशन लगाऊं? कैन आई से इट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 207। लेकिन हम जो स्टोरी लिखेंगे उसमें ऐसा लिखेंगे कि 207% से वो बढ़ा। कितने से बढ़ा? अगर कम हुआ होता तो वी वुड हैव रिटन इट वुड हैव गॉन डाउन बाय दिस मेनी परसेंटेज। लिखो, मैं लिखवा रहा हूं तुमको, लिखो इंटरप्रिटेशन। पहले ये वर्किंग कर लो, वर्किंग कर लो पहले, फिर इंटरप्रिटेशन लिखवा रहा हूं। बेटा पहले ये वर्किंग्स कर लेंगे, फिर हम इंटरप्रिटेशंस लिखेंगे। ओके As compared to the base year, interpretation लिखो। As compared to the base year,
index has gone up by 207%. Index has gone up by 207%. Sure? इंटरप्रिटेशन कैसे लिखने का समझ में आया? Yes. अगर यहां पर 307 के बदले ऐसा लिखा होता 300 तो क्या है? इट हैज इंक्रीज्ड बाय 200%. इसके जैसा एक सम करने के लिए दो तो कर पाओगे? मेन एक्सरसाइज पर चले जाओ, पेज नंबर मैं बताता हूं. मेन एक्सरसाइज पर चले जाओ, पेज नंबर है 51. क्वेश्चन नंबर 12 करके दो मेरे को. चलो पेज 51 पे क्वेश्चन नंबर 12 करके दो. सिमिलर टू दिस सम एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू राइट इट्स इंटरप्रिटेशन. विल यू एबल टू डू इट? आई एम प्राउड ऑफ यू. कौन है कौन है कौन है भाई? भार्गव लेट. जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ. चल जगह ढूंढ अपने लिए, कहीं जगह ढूंढ. राव अंदर जा. हर्षित अंदर बैठ. या तो इधर ध्यानी अंदर बैठो. भार्गव इधर आ जा. जयमीन इधर आ जा. अच्छा जयमीन स्मिथ के साथ बैठ. इधर जगह है, इधर चारों दुबले हैं, उधर हर्षित ने दो जगह ले ली है. बेटा किसका गिरने का आवाज आया? बेटा सम स्टार्ट करेंगे. डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज. स्टार्ट द सम, स्टार्ट द सम. बेटा मेरा फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 226.6. 226.6. आई एम गेटिंग 226.6. बेटा बेस ईयर का इंडेक्स तुम्हारा 100 ही है, यही मान के चलने का हो रहता है.
बेस ईयर तुम्हारा उसका इंडेक्स तो 100 ही है, तो इंटरप्रिटेशन में क्या लिखा, कितने से बढ़ रहा है, 126.6 विद व्हाट परसेंटेज इट इज इंक्रीजिंग, 126.6। अच्छा कितनों का ये सम हो गया बेटा, मिलजुल के निपटा लिए, आई एम प्राउड ऑफ यू। गो ऑन टू पेज नंबर 29 अगेन, सेकेंड सम स्टार्ट करते हैं, चलो साथ में। वी स्टार्ट विद द सेकेंड सम टुगेदर, वी स्टार्ट विद द सेकेंड सम टुगेदर। बेटा वी स्टार्ट विद द सेकेंड सम, इज इट कॉपीड, बेटा इज इट कॉपीड, यस और नो, यस और नो, I'm waiting. But is it copied? No. Very good. Now look into the sum again. Look into the sum again. हमने चार फॉर्मूला लिखे हैं। अब चार फॉर्मूला में से वापस मुझे बताओ इस वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वेटेड एवरेज वाला। अगेन हम वेटेड एवरेज वाला लगाएंगे। अगेन द हिंट क्या मिली हमको? वेट। तो इसका टोटल जरा करो कितना आ रहा है, व्हाट्स द टोटल, क्या ये सिग्मा डब्ल्यू तुम्हारा 100 आ रहा है, सिग्मा डब्ल्यू तुम्हारा कितना आ रहा है, 100। क्या से हमको आई देखो नहीं दिया है ये सम में, हमारा फर्स्ट वाला सम देखो और ये वाला सम को कंपेयर करो, फर्स्ट वाले सम में इंडेक्स पहले से दिया हुआ था, ये वाले सम में इंडेक्स नहीं दिया है। तो लुक इन टू द फॉर्मूला, हाउ विल आई गेट द इंडेक्स, पी वन अपॉन पी जीरो इंटू अने पची आई डब्ल्यू करसू, व्हाट विल डू, और आई डब्ल्यू करके फिर अपना फाइनल आंसर निकलेगा। सो पी वन अपॉन पी जीरो अगर मैं करूं तो 24 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, 24 divided by 30 into 100 is 80. 24 divided by 20 into 100. 120. 70 divided by 50 into 100. 140. 40 divided by 32 into 100. 125. 48 divided by 40 into 100. 120. 24 divided by 16 into 100, 150. बेटा ये क्या मिला मुझे, इंडेक्स आई, अने हवे आई डब्ल्यू करके देखो दूर दूर का मल्टीप्लिकेशन बिठाना है, ये वेट है और ये आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है दूर दूर का संगम, तो 17 इंटू 80 1360, 15 इंटू 120 1800, 3080, 2000, 1440, 2700, 12380, ये जो आले
दैट इज सिग्मा आई डब्ल्यू. ये जो आंसर आया है दैट इज सिग्मा आई डब्ल्यू. अने हवे मने आई केवी रीते मळशे? सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. वन टू थ्री एट जीरो अपॉन हंड्रेड दैट इज 123.8. It's 123.8. बेटा जरा यहां पर ध्यान, इंटरप्रिटेशन लिखने के लिए बोला है, जरा चेक करो चेक करो चेक करो. प्लीज राइट द इंटरप्रिटेशन ऑन योर ओन. प्लीज राइट द इंटरप्रिटेशन ऑन योर ओन. रोहित बेटा क्या समझ में नहीं आ रहा है? कोई डाउट है ऐसा पूछ रहा हूं. क्या डाउट है बेटा? क्या समझ में नहीं आया? इसमें से समझ में नहीं आ रहा कुछ? बोल 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 जल्दी बोल. बाजू में तरन, क्या डाउट? पक्का? चिराग, तेजस, पक्का? बहुत बढ़िया. क्या सर, द सम इज ओवर, इज द इंटरप्रिटेशन रिटर्न? गो फॉर द लास्ट सम फॉर टुडे, द थर्ड सम. द लास्ट सम फॉर टुडे दैट्स द थर्ड सम. क्या फाइंड आउट करना है? देखो लास्ट पेयर पास चेन है फिशर्स इंडेक्स नंबर. अच्छा लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या है? क्या है क्या है क्या है? सिग्मा सिग्मा बी वन क्यू जीरो अपॉन पी जीरो क्यू जीरो इंटू हंड्रेड. पची पची लास्ट पेयर लास्ट पेयर सला सला वही हो गए रे. इट्स पी वन क्यू जीरो अपॉन पी जीरो क्यू जीरो इंटू पासे चे पासे चे पासे चे पी वन क्यू वन अपॉन पी जीरो क्यू वन इंटू अने पची फिशर. अब देखो अपने को वहां पर इंफॉर्मेशन कैसे दी है, अपने को 2015 का इंडेक्स ढूंढना है और 2014 को रखना है क्या अपना? 2014 को अपना रखना है बेस ईयर. तो टेबल कैसे बनेगा जरा पहले वो देख लो. डोंट बी इन अ हरी टू स्टार्ट द सम. यू सी द टाइप ऑफ द टेबल विच वी नीड टू मेक. पहला तो आइटम, देन यूनिट. नाउ 2014 मेरे को दिया है, ये कौन सा ईयर है? बेस ईयर के करंट ईयर. अच्छा बेस ईयर का जो क्वांटिटी है वो होगा क्या? और उसका प्राइस होएगा पी जीरो. 2015 मेरा करंट ईयर है, उसका क्वांटिटी विल बी क्यू वन एंड प्राइस विल बी पी वन. अब ये खाली क्वेश्चन हमने कॉपी करा, उसके बाद एक और कॉलम किसका बनेगा? पी वन क्यू जीरो पी जीरो पी वन अरे पी जीरो. ऐसे अपने को चार कॉलम बनाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या लिखा हमने? लास्ट पेयर का सिग्मा P1 Q0 E0 Q0 into 100 पासे चे P0 Q1 into 100 अने फिशर का फॉर्मूला रूट. चलो टेबल बनाना शुरू करो मेरे साथ. आइटम है वीट, राइस, पल्स, ऑयल,
बॉयज एट द बैक बातें ना आई केजी 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 मीटर लीटर 20 10 10 6 15 અને 18 15 20 26.5 24.8 21.25 અને 21 30 15 15 8 25 30 18 31.25 29.50 30 25 28.80 बेटा ये वाला जो सम है ना उसमें तुमको अपने बुद्धि का कोई तड़का लगाना नहीं है, खाली कैलकुलेटर पर अपने हाथ ही चलाने हैं और अपने को सारे आंसर मिल जाएंगे। इट इज जस्ट अ गेम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आर यू गेटिंग? बेटा इट्स द गेम ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। अच्छा बेटा कितने लोगों ने सम कॉपी कर लिया है? आई एम वेटिंग। आगे कैलकुलेशन कैसे करने हैं फिर मैं तुमको बताता हूं और अपने कैलकुलेशन साथ में शुरू करते हैं। P1 Q0 कैसे आएगा? जरा देखो फिंगर्स रख के मल्टीप्लीकेशन करना है। यहां पर P1 है यहां पर Q0 है तो 18 into 20 बेटा पुट योर फिंगर्स एंड देन डू द मल्टीप्लीकेशन बिकॉज कोई मिस्टेक ना हो जाए। सो 312.5 into 10 312.5 हो जाएगा ना, 8 कैसे हो जाएगा बेटा? पता चल रहा है किसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है? देन 29.5 into 10 is 295 30 into 6 is 180 देन 25 into 15 375 28.8 into 18 518.4 टोटल्स कर दो 2040.9 द टोटल्स। पची P0 Q0 अगेन फिंगर रख के 20 इंटू 15 300
20 into 15, 300. 200. 265. 168.8 बेटा बच्ची P1 Q1 13 to 18 540 468.75 बेटा जो दो का मल्टीप्लिकेशन है वो समझ में आ रहा है कि कोई तकलीफ है बेटा उसमें खाली P1 Q1 P0 Q0 यही सब कर रहे हैं हम बच्ची 29.5 into 15 442.5 240 265 P0Q1 do it on your own come on Q1 बेटा 15 into 30 450 300 390 ओके 198.4 530 बहुत बढ़िया 630 2507.15 बेटा आर द कैलकुलेशन अंडरस्टूड जस्ट ऑन द कैलकुलेटर वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड वी नीड टू गेट द आंसर दैट्स इट हमको खाली कैलकुलेशन अपने को कैलकुलेटर पर करके बात खत्म करने की थी यहाँ के ना लास्ट पेयर का फॉर्मूला लगाओ चलो लास्ट पेयर का फॉर्मूला लगाओ क्या आएगा 2040.9 डिवाइड बाय 2040.9 डिवाइड बाय 1610.55 इनटू 100 126.72 देन 3180.25 अपॉन 2507.15 इनटू 100 126.85 अने फिशर का इंडेक्स नंबर रूट IL इनटू IP 126.72 into 126.85 उसका रूट करो 126.78 दैट्स माय फाइनल आंसर एंड इसमें अभी ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन करने का कोई जरूरत नहीं है
करेंगे, होमवर्क मार्क करेंगे, होमवर्क मार्क करेंगे। इलस्ट्रेशन 11, देन इलस्ट्रेशन 12, देन इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 12, देन इवन यू कैन डू इलस्ट्रेशन 14। बस अभी 3 सम करो, ठीक है? कल मिलते हैं। Thank you.